कैसी और से? बेगम साहब, ये कार्ड आया है। अच्छा, फिर दावत नाम है। लोगों के अभी तकरीबात खत्म होने का नाम नहीं लेती। वही सालगिरह, मेहंदी, शादी। चलो भाई, रौनक रहेगी। कब तक दूसरों के घरों में रौनक लगाती रहेंगी आप? एक तो आप थकती भी नहीं है ऐसे फंक्शन अटेंड कर करके। अरे बेटा, रिश्तेदारों से मिलना जुलना हो जाता है ना, और फिर ना जाओ तो खानदान वालों को शिकायत हो जाती है, नाराज हो जाते हैं वो, और जाएं तो एक ही बात पूछ पूछ के जान अजाब में डाल देते हैं। कितने सालों से मैं एक ही बात सुन रही हूँ, आपको मालूम भी है शादी क्यों नहीं हुई अब तक? आपके खानदान वाले मुझे इस निगाह से देखते हैं जैसे कि मैं कोई भिखारी हूँ। खुदा ना करे बेटा, ये कैसे अल्फाज निकाल रही हो मुंह से? खानदान वाले भी हद करते हैं। तुम्हारे लिए रिश्तों की कोई कमी थी? अरे खानदान के हर घर से एक रिश्ता आया तुम्हारे लिए, तो तुम ही मना कर देती हो, वरना तो मत जिक्र किया करे उन उल्टे सीधे रिश्तों का। जब मैं कह चुकी हूँ कि मैं शराम के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी, बेशक मुझे सारी जिंदगी घर पे बैठना पड़ जाए, मुझे मंजूर है। बेटा शादी तो तुम्हारी शराम से ही होगी, बल्कि अब तक हो चुकी होती अगर ये अरसला बीच में ना आती। ये सारी मुसीबत जो है ना, ये तुम्हारी दादी की लाई हुई है। नसरीन, अमीना। अरे माशाल्लाह, शहराम और तुम एक दूसरे को जानते हो? पुराने दोस्त मिले तो बहुत खुशी होती है। हम दोस्त नहीं है तहसीन बाजी। आपको गलत फहमी। चलो, जानने वाले तो हो ना। वैसे शहराम और तुम कहाँ मिले थे? यही कराची में। ओह एक्सक्यूज मी। तो ये तो साबित हुआ कि ये शहर इतना बड़ा भी नहीं है तो इंसान बार बार ना मिल सके। ये मुलाकात महज एक इत्तेफाक है शहराम साहब। मुमकिन है कि दोबारा फिर कभी नहीं होगी। बहुत सी बातें हमारे चाहने या ना चाहने की मोहताज नहीं होती, बस हो जाती है और फिर हमें उन्हें कबूल करना पड़ता है। जैसे आज हम। खैर एनीवे, तुम कैसी हो और घर पे सब? आपको किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है शाहराम साहब, और बेहतर होगा कि आप हम सबसे दूर रहें। दूर ही तो हूं अरसला, ये तो महज एक इत्तेफाक था, शायद मुझे आना ही नहीं चाहिए था। खैर चलता हूं। सुने बीजान कैसी है? बहुत दिन हो गए मेरा उनसे कोई रابطہ नहीं हो रहा। वो ठीक नहीं है। क्या मतलब? बस तुम कहां जा रही हो? वो बीजान आवाज दे रही है। कोई जरूरत नहीं वहां जाने की, उनको और काम क्या है? सारा दिन सबको आवाजें दे दे के सबको डिस्टर्ब ही करती रहती है। सारी जिंदगी बैठकर हुक्म ही तो चला है। जाओ तुम किचन के अंदर देखो, बहुत काम पड़े हुए। ठीक है। Thank you.
बासित उनकी तबीयत ठीक है ना? उन्होंने कुछ कहा तो नहीं है, वो बिल्कुल अकेली हो गई है अर्चना। तुम्हारे आने के बाद उनका ख्याल रखने वाला ही कोई नहीं रहा, ना उनसे कोई बातें करने वाला, कोई ऐसा जो उन्हें बाहर की दुनिया से जोड़े रखे। ये तन्हाई उनकी तकलीफों को और बढ़ा रही है। मुझे हर बार वो पहले से ज्यादा कमजोर लगती है। लेकिन उस घर में इतने सारे लोग रहते हैं, नसरीन आंटी, बासित अंकल, वो उनके बेटे हैं, अर्जुबिया, वो भी तो वहां है। इतने सारे लोग एक घर में, उनका ख्याल क्यों नहीं रख सकते? और वो तो किसी को कुछ कहती भी नहीं है, तो फिर अर्सला जब तंग दिली हद से बढ़ जाए तो फिर कुछ भी आसान नहीं रहता। घर के बुजुर्गों को कोने में डाल देना तो आम सी बात है, और पीजान का भी घर से इख्तियार बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, मैंने खुद महसूस किया था। खैर मैं चलता हूं। सुने, मुझे भी जान से मिलना है, क्या आप मेरा मतलब है क्या आप मेरी मदद करेंगे? उस रोज शाहराम से मिलके बहुत अच्छा लगा, और तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है बीजान से मिलने का। मुझे यकीन है वो तुमसे मिलके बहुत खुश हो जाएंगे। बीजान मुझसे बहुत मोहब्बत करती है तहसीन बाजी, मेरा उनसे रिश्ता ही क्या था, मगर उन्हें मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनके घर काम करने आई थी। इतनी मोहब्बत से अपना लिया मुझे, जैसे मोहब्बतें कम ही नसीब होती हैं अर्सला, और अगर ये मिल जाएं तो इनकी पूरी कदर करनी चाहिए। इन्हें टुकराने की गलती कभी मत करना, वरना बहुत पछताओगी। ये खो जाएं तो फिर कभी नहीं मिलती। अच्छा तो फिर कब मिल रही हो अपनी बीजान से? बहुत जल्द, बस एग्जाम्स खत्म होने के फौरन बाद। ऐसे तो कहा है शहराम साहब ने, मैं तो हैरान ही रह गई। एक मिनट भी नहीं लगाया उन्होंने सोचने में, कहने लगे इसमें कौन सी बात है, मैं ले आऊंगा बीजान को। वो ऐसा ही है, फौरी फैसला फौरी अमल, और उसे लोगों को हैरान करना तो बहुत अच्छी तरह से आता है, और उसकी इस बात की तो मैं भी गवाह हूं। अब तुम क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं, बस यही कि नसरीन आंटी बीजान को आने दे। हाँ इंशाल्लाह जरूर आने देंगी, तुम फिक्र मत करो। इंशाल्लाह। नहीं बिल्कुल भी नहीं। हाउ स्वीट। क्या बात है भाई, सब बहुत खुश नजर आ रहे हैं, लगता है कोई बहुत खास बात है। जल्दी बताओ शाहराम क्या बात है। पहले वादा करो कि तुम मेरी फेवर करोगी, अंकल आंटी की नहीं। मैं हमेशा तुम्हारी ही फेवर करूंगी, बेफिक्र रहो। प्रॉमिस। अरे बेटा पहले पूरी बात तो सुन लो। भाई शाहराम ने दुबई का ट्रिप अरेंज किया है हम तीनों के लिए, और वो भी बहुत हाई फाई किस्म का। रियली? शाहराम मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ये तो बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है। थैंक यू सो मच। लेकिन बेटा लाखों रुपए का खर्च है। मेरे ख्याल से बासित सही कह रहे हैं बेटा,
रहने दो, हम नहीं जाएंगे। आप लोगों को जाना ही होगा, दो हफ्तों की बात है, अंकल भी फ्रेश हो जाएंगे और बेचारी जूबिया को ही देखिए कितनी डल हो गई है। एक मजे का ट्रिप तो बनता है, क्यों जूबिया? डन, तुम भी चलोगे ना हमारे साथ? मैं? हाँ हाँ बेटा, तुम चलोगे तो हम ज्यादा एंजॉय करेंगे। मैं जरूर चलता आंटी, लेकिन मैं बहुत बिजी हूँ, ऑफिस नहीं छोड़ सकता, लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर। मैंने सारे अरेंजमेंट्स करा दिए हैं, आप लोग बस तैयारी कर लें। वो तो सब ठीक है बेटा, लेकिन एक प्रॉब्लम, बीजान पीछे अकेली रह जाएंगी तो उन्हें छोड़ के मैं जा नहीं सकता। बीजान की फिक्र करने की जरूरत नहीं, उनका सारा ख्याल मैं रखूंगा, उन्हें मैं अपने घर ले जाऊंगा। ठीक है, फिर सोचा जा सकता। हाँ। पेपर्स की तैयारी हो रही है? जी, बस ये आखिरी रह गया है और ये सबसे मुश्किल है। इंशाल्लाह जरूर अच्छा हो जाएगा, तुम अपनी अम्मी से भी कह दो दुआ के लिए, माँ की दुआ में बहुत असर होता है। अम्मा से कहूँ? लेकिन मैंने तुम्हें बताया भी नहीं कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ। नहीं बताया तो अब बता दो, वो बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा तुम पढ़ो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। अरे भाई कोई है? अरे कहाँ मर गए सब लोग? आ रही हूँ आ रही हूँ। अरे फोन बजा जा रहा है बार बार, उठा फोन। आ रही हूँ बाबा, क्यों चला रहे हो? हेलो हेलो, सलाम अम्मा। असला ये भी कोई वक्त है फोन करने का? बात ही करनी थी तो कल दोपहर में कर लेती ना, शाम से सर में दर्द हो रहा है, गोली खा के थोड़ी देर को लेटी थी, अभी अभी आंख लगी थी मेरी। कुछ तो ख्याल किया करो अरसला, जब दिल चाहा फोन घुमा दिया। अरे भाई कराची में रिवाज होगा रातों को जागने का, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, पेपर के लिए निकल रही हूँ। हाँ जी। अच्छा अभी तो टाइम है, नाश्ता कर लो, एनर्जी लेवल अच्छा रहता है। तहसीन बाजी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, ऊपर से पेपर की घबराहट, बस आप दुआ करें अच्छा हो जाए। जरूर अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम्हारी घर पे बात हो गई थी ना रात को? जी, अम्मा बहुत खुश थी, बहुत दुआएं दे रही थी। देखा ना, कहा था मैंने, खूनी रिश्तों से बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। खैर अब मैं निकलती हूँ, बहुत देर हो रही है। कम से कम चाय ही पी लो अरसला। तहसीन माजी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, मैं चलती हूँ बस। अच्छा मैंने ड्राइवर से कह दिया है, वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अरे भाई अर्चना, रात को बार बार फोन कर रही थी, फोन तो उठा लिया होता, बात तो कर ली होती,
कोई खास बात ना करनी हो उसने? सर में इतना दर्द हो रहा था साबिर, इतनी मुश्किलों से मैं उठकर आई थी, और वो भी कोई टाइम था, 11 बज रहे थे, कोई वक्त होता है फोन करने का? इसीलिए तो कह रहा हूं कुछ जरूरी काम होगा भाई, वरना वो बेचारी कब करती है हमें बार बार फोन। अगर कोई खास बात होती तो सुबह ही कर लेती, उसका किसी ने हाथ तो नहीं रोका हुआ है ना, बस ऐसे ही उसे तंग करना होता है। अम्मा, सकीना खाला मिली थी मुझे बाजार में, बहुत नाराज हो रही थी, वो कह रही थी तुम्हारी अम्मा ने अभी तक कमेटी के पैसे नहीं भिजवाए। मुझे परेशान लग रही थी, और अब लग रहा है कि उन्हें शक हो रहा है। शक? किस बात का शक? दिमाग तो नहीं खराब हो गया सकीना का? अरे हर दफा तुम्हें कमेटियां वक्त पे पहुंचा देती हूँ ना। इसी बस देर हो गई, दे दूंगी ना, इतनी बेताब क्यों हो रही है वो? मुझे बहुत शर्मिंदा किया उन्होंने, मेरे साथ मेरा दोस्त भी था, वो भी सुनने लगा और कह रहा था तुम्हारी अम्मा ने इतनी कमेटियां डाली क्यों है जब वो भर नहीं सकती। तो कोई बहुत ही बदतमीज लड़का है, और आजकल तुमने ऐसे बदतमीज लड़कों से दोस्तियां की हुई है गुड्डू, खबरदार जो तुमने आइंदा से उससे बात तक की तो आज करती हूँ कोई इसे बंदोबस्त, दे दूंगी कमेटी। हाँ, अरे तुम जैसे बंदोबस्त करेंगे, आज करती हूँ बंदोबस्त। ये सब तुम्हारी अर्सला का कसूर है, अरे उसी ने इतने कम पैसे भिजवाए। अरे बस बस, अपनी सारी गलतियां उस बेचारी अर्सला पे मत थोपो, उस बेचारी पे सब बोझ डाला हुआ है, बड़ा शौक था ना बेटी को जहेज देना, ट्रक भर के देना, अब भर लो ट्रक, बंदोबस्त करो, बंदोबस्त करेगी। कभी कभी मेरा इतना दिल करता है कि अर्सला हमारे घर आए, देखिए कि हमने घर कितना अच्छा सेट किया, हम एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं, और मैं यहाँ किस शान से रह रही हूँ। ये तुम्हारा अर्सला को क्यों याद करती रहती? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुमने उसे शादी उसे जलाने के लिए की, यही तो तुम्हारा मसला रहा। खुदा के लिए आप तो पीछा छोड़ दो उसका। आतिफ, क्या हो गया है तुम्हें? पहले तो तुम खुद अर्सला को इतना बुरा भला कहते थे, और अब अगर मैं भी कुछ कहती हूँ तो तुम्हें इतना बुरा लग जाता है। क्या कहना चाहती हो तुम? यही कि क्या तुमने अर्सला को माफ कर दिया, या फिर तुम उसका नाम क्यों नहीं लेते हो आखिर? क्या तुम्हारे लिए ये काफी नहीं है कि मैं उसका नाम नहीं लेता? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आतिफ, तुम्हारी खामोशी मेरे दिल में हजार सवाल उठा रही है। कहोगे तुम अर्सला को भूल गए हो? तुम्हारे किसी भी सवाल का मेरे पास जवाब, तुम ये सवालों जवाबों के चक्करों से बच गए। हम दोनों के लिए बेहतर है। आतिफ, अरे मेरी बात तो सुनो, इसलिए क्या जल्दी है? एक काम से बाहर जा रहा हूँ मैं, वापस आके आपकी बात भी सुनूंगा। आखिर हुआ क्या बेटा? खैरियत तो है ना? इधर देखो, मेरी तरफ देखो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल खैरियत। कहा है, बाहर एक काम से जा रहा हूँ,
वापस आके आपकी बात सुन लूंगा। क्या हुआ अम्मी, खामोश क्यों हो गए? बताएं क्या बात करने की? कुछ नहीं, बस ऐसे जाओ तुम, जल्दी आना। फिक्र ना कर, जल्दी आ शाम का है। क्या कह रहा था आतिफ? कुछ नहीं। सब जानती हूं मैं कि आप माँ बेटे को क्या दुख खाए जा रहे हैं। इतनी सोगवारी घर में फैला के रखी हुई कि कोई हद नहीं है। अब तो अल्लाह ही नहुसत उठाएगा इस घर से। हॉल उठ रहे, पता नहीं क्या होने वाला है यहाँ पर। शुक्र है कि पेपर अच्छा हो गया तहसीन बाजी। पता है मैं बहुत डर रही थी, लेकिन आसान था पेपर। तुमने इतनी मेहनत भी तो की है ना अरसला, और इतनी जल्दी एग्जाम्स की तैयारी करना कोई आसान बात नहीं है। कुछ लोगों के एहसान में जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी, उनमें से एक आप हैं। आपने मेरे लिए इतनी आसानियां नहीं पैदा की होती तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाती। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया अरसला, और अगर तुम्हें शुक्रिया ही अदा करना है तो। अस्सलाम वालेकुम। अरे आया है शहराम, मैं भी आपको ही याद कर रही थी। चलें, कोई मुझे भी याद करता है, ये सुनकर अच्छा लगा। ये मिठाई किस खुशी में? कहीं आपकी शादी वादी तो नहीं हो रही? खुदा आपकी जुबान मुबारक करे, लेकिन फिलहाल वजह दूसरी है। ये अरसला के इम्तिहान खत्म होने की खुशी में। क्यों अरसला, है ना ये खुशी की बात? बाजी, मिसेस परवीन आई है आपसे मिलने, मैंने उन्हें बिठा दिया है। आप लोग बातें करें, मैं भी उनसे मिलकर आती हूँ, ठीक है? ये लो, प्लीज मना मत करना ना, मुझे बहुत अफसोस होगा। मैं खा लेती हूँ। वैसे आप भी अजीब है, एग्जाम्स के खत्म होने की खुशी में कौन मिठाई लाता है? अभी रिजल्ट बाकी है। रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह, लेकिन एक बड़ी खुशी के इंतजार में छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज करना भी अच्छा नहीं होता अरसला। वरना खुश होने के बहुत सारे मौके चुपके से हाथ से निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता। सुबिया का फोन। हेलो शहराम, अगर तुम भी हमारे साथ चलते तो ये ट्रिप कितना यादगार हो जाता। वादा करो कि नेक्स्ट टाइम तो हमारे साथ चलोगे। इस बार मैं तुम्हें माफ करी हूँ, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। अब अपना वादा याद रखना। अच्छा सुनो, अपना बहुत ख्याल रखना। तुम्हें अंदाजा नहीं कि यहाँ पे सब कितना खुश है। अच्छा सुनो, तुम आ रहे हो ना? अभी फ्लाइट में काफी टाइम है। जो भी, अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता। ठीक है, मैं कॉल का इंतजार करूंगी। क्या हुआ जूबी, आपको क्यों फोन कर रही है? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मैं यहाँ तहसीन बाजी के घर और आप भी यहाँ आए हैं, है ना? उसे पता चल गया ना? अरसला, अरसला प्लीज काम डाउन, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप क्यों बार बार मेरी जिंदगी में आ जाते, इतना सब कुछ होने के बावजूद? कहाँ जाऊंगी मैं, क्या करूंगी अब, और क्या देखना रह गया मेरी जिंदगी में? अरसला रिलैक्स, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, यकीन करो मेरा।
तुम इतनी खौफजदा क्यों हो रही? तुम उनके घर में तो नहीं हो, तो फिर इनसे क्यों इतना डर रही हो? वो कुछ नहीं कह सकते तुम्हें। वैसे भी वो लोग दो हफ्ते के लिए दुबई जा रहे हैं, तब तक बीजान मेरे साथ रहेंगे, यही बताने आया था। अब तुम उनसे मिल सकती हो। मैं बीजान से मिल सकती हूँ? बासित बेटा, मुझे अपने कमरे की आदत है बेटा, मैं रह लूंगी, तुम फिक्र ना करो। अरे क्यों खामखा शहराम को परेशान करते हो? बस हो गई ना आपकी बहस शुरू। कभी कोई एक बात ऐसी है जो आपसे कही हो और आपने मान ली, हद होती है बीजा। नहीं बेटा, जिद नहीं कर रही मैं, मैं रह लूंगी यहां, तुम फिक्र नहीं करो। और वैसे भी बेटा, आपने मुझे पहले से तो बताया भी नहीं था। ये 100 चीजें होती हैं, दवाएं हैं, कपड़े हैं, सब इकट्ठा करना, पैक करना। या अगर कोई मेरे लिए पैक कर देता तो? बी जान, आपको सामान की क्या जरूरत है? भाई 2 कपड़े ले, दवाइयां ले और चली जाए। हमने इस घर को बंद करके जाना है, कुछ दिन हम भी सुकून के गुजार लें। आपकी खातिर अब हम ये घर तो नहीं खुला छोड़ के जा सकते ना? और कुछ सामान मैंने आपका शॉपर में डाल के पैक कर दिया। अच्छा, उसमें एक शॉल रख देती बेटा, अगर वहां पर ठंड हो गई तो। शॉल का मौसम नहीं है बीजान, शदीद गर्मी है। और हाँ, अब कुछ दिन हमें सुकून से वहां रहने दीजिएगा, ऐसा ना हो कि हमारे जाते ही आप अपनी बीमारी की खबरें भिजवाने लग जाएं। बीजा, आप क्यों उस बेचारी नसरीन को तंग कर रहे हैं? वो सब कुछ आपके लिए कर तो रही है, अगर कुछ रह गया तो सब्र कीजिए, 2 हफ्तों के बाद हम आ तो जाएंगे। अच्छा, वो बासित बेटा, पैसे खत्म हो गए थे मेरे पास। शाहराम के घर आपको पैसों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हो जाएगा आपका गुजारा। इसका मतलब है अब तुम बीजान से दिल खोलकर मिल सकती हो। जी, लेकिन एक अजीब सी बात है, मैं सोच रही थी कि जैसे ही मेरा दिल किया कि मैं बीजान से मिलूं, वैसे ही बासित अंकल और उनकी सारी फैमिली का बाहर जाने का प्लान बन गया। मुझे बहुत हैरत हुई। और मुझे बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि शाहराम इस तरह का ही कुछ करेगा। क्या मतलब? तुम्हें लगता है कि उन लोगों का अचानक इस तरह से 2 हफ्तों के लिए चले जाना महज एक इत्तफाक है? अरसला, शहराम को इस तरह के इत्तफाकात क्रिएट करना अच्छी तरह से आता है। खान बाबा, जरा व्हीलचेयर लेके आना। अरे नहीं नहीं बेटा, व्हीलचेयर की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा सहारा चाहिए मुझे। पक्की हो? हाँ हाँ, मैं चल लूंगी, फिक्र नहीं करो तुम। जी तेरा।
अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ये आपका कमरा बीजान। आपको इधर किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं होगी इंशाल्लाह। मैं आपकी दवाएं वगैरह भी ले आया हूँ, वो रखती हैं। अच्छा अच्छा। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आपने मुझे बताना है फौरन। अरे अब मैं क्या कहूँ बेटा, ये तो सब तुम्हारी मोहब्बत है। सच पूछो ना, मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है सोच सोच कर। पता नहीं कितने दिन मेरी वजह से तुमको जहमत उठानी पड़े। अरे मना भी किया था बासित को, पर मेरी सुनता कौन है। अब आपने ऐसा कुछ कहा ना तो मुझे यकीन हो जाएगा कि आप मुझे अपना नहीं समझती। अरे नहीं बेटा, ये आपके बेटे का घर है, आपका अपना घर। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आप यहाँ आई हैं। जीते रहो। अब आपको किसी भी चीज की फिक्र नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुझे तो ये कहना चाहिए कि अब आप घर देखेंगी और मैं बेफिक्र हो जाऊंगा। बीजान ये है बानो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बानो आपका सारा ख्याल रखेंगी और बानो बीजान को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल परेशान ना हो, ऐसे ही होगा, मैं पूरा ख्याल रखूंगी। और हम दोनों का खाना इधर ही ले आओ। जी। और बीजान आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज भी है। सरप्राइज? अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या हुआ? सुबह सुबह खैरियत? हाँ वालेकुम सलाम। सुबह सुबह इसलिए आई थी कि तुमसे जरूरी काम था एक। हाँ हाँ ठीक है, आ जाए। अच्छा सुनो, वो सुरैया बाजी अपने कमरे में है ना? हाँ वो अपने कमरे में है, उनके सर में दर्द हो रहा था, लेट गई दोबारा। और आतिफ? आतिफ फैक्ट्री गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। अम्मा बात क्या है बताएं ना। नहीं माँ, तुम्हें तो पता है ना कि हमने एक साथ इतनी कमेटियां डाली थी और फिर वो एक साथ ले भी ली थी और वो सारे पैसे खर्च हो गए तुम्हारी शादी पर। क्या कहना चाह रही हैं? पुरानी बातें याद दिलाने का मकसद क्या है? अम्मा हर कोई अपनी औलाद की शादी पे इतने पैसे खर्च करता है। हाँ लेकिन असला की जो तनख्वाह आती थी वो कमेटियों में जाती थी और अब घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, सिर्फ तुम्हारे अब्बा की पेंशन पे ही बस गुजारा हो रहा है। अम्मा अब ऐसा भी कुछ नहीं है, मैं अभी तक भूली नहीं हूँ जो लाखों रुपए अरसला के नाम पर आए थे। अभी भी उसके पास कोई कमी नहीं होगी, मैं बता रही हूँ आपको। कमी तो कर दी है उसने, इतने पैसे कम भिजवा दी है और 3 महीने से मैंने कमेटियां भी नहीं भरी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा अरसला क्यों तंग कर रही है। मैं जानती हूँ वो ये सब कुछ जान बूझ कर रही है। अम्मा हसद हो रहा होगा ना मुझसे, आतिफ ने जो उसे ठुकरा दिया, कैसे भूलेगी वो ये सब कुछ। अब किसी से क्या गिला करे, कौन क्या कर रहा है। अच्छा नहीं माँ, तुम मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दोगी तो मैं कमेटियों के भर दूंगी, मेरे पास आएंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगी। अम्मा मेरे पास पैसे नहीं है, यकीन माने आप बेशक मुझसे कसम उठवा लें वो पैसे खर्च हो गए। और वो जो तुम्हें 1,00,000 रुपए सलामी मिली थी वो उसका क्या? अम्मा मेरे पास पैसे नहीं है। और आप अरसला पे सख्ती क्यों नहीं करती है कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे भेजा करे, इतनी छूट दी हुई आपने उसे। चले माजरत मेरे पास पैसे नहीं है, आप यही रुके मैं चाय बना के लाती हूँ। क्या करूं? वालेकुम सलाम, कैसे हो? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप इतनी सुबह खैरियत? अरे हाँ वो नईमा की याद बहुत आ रही थी तो बस उसको देखने चले आई। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है।
आतिफ तुम भी ना एक ही बात के पीछे पड़ जाते हो। मैंने तुम्हें बताया तो था कि अम्मा ऐसे ही आई थी मिलने के लिए। अगर ऐसे ही आई थी तो परेशान क्यों लग रही थी? परेशानी उनके चेहरे पे साफ वाज़ह थी। अब इतनी जल्दी भी चली गई? कोई बात तो है, साफ साफ बताओ कोई बात हुई है क्या? आतिफ क्या बात हो सकती है भला, घर में है ही कौन? अम्मा, अब्बा और गुड्डू। देखो अगर तुम्हें लगता है कि मैं सच नहीं कह रही तो तुम खुद जाओ देख लो घर पे। असला भी तो है ना। वो वहां खैरियत से है, उसे वहां कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसकी वजह से यहां सब परेशान है। सबकी जिंदगी उसने हराम करके रखी है और खास तौर पर मेरी। सिर बन के मुसल्लत हो गई इस घर पर और तुम पर। बस बंद करो अपनी। क्या मसला है तुम्हारे साथ? वैसे ही एक बात पूछी है तुमसे, लेकिन तुम्हारे सर पे हर वक्त शक का भूत समा रहता है। और तुम पर उसके इश्क का? पता नहीं क्या खोलकर उसने तुम्हें पिला दिया है कि तुम आज तक उसके शहर से बाहर ही नहीं निकल पाए हो। हर वक्त अरसला की बात, अरसला की परेशानी, अरसला का ख्याल, उसकी बात। खुदा का वास्ता चुप हो जाओ।